छेड़छाड़ से परेशान होकर एक युवती भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे के टावर पर चढ़ गई। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही युवती ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने युवती को समझाइश देकर नीचे उतारा। पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय युवती बैंक कॉलोनी जहांगीराबाद में रहती है। उसने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त जमाल है। उसने जमाल के दोस्त आकाश को 60,000 रुपए उधार दिए थे। आकाश ने 2 दिन में रुपए लौटाने की बात कही थी, लेकिन कई दिनों से वह पैसा नहीं लौटा रहा है। बीती 5 अक्टूबर को युवती जमाल के साथ आकाश के पास कोहिफिजा इलाके में पहुंची थी, जहां तीनों के बीच पैसों को लेकर कहासुनी हुई। इस दौरान आकाश ने युवती के साथ छेड़छाड़ कर दी। युवती ने छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में आकाश के खिलाफ कोहिफिजा थाने में FIR दर्ज कराई थी। अब आकाश उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। इससे तंग आकर वह पॉलिटेक्निक चौराहे पहुंची और टावर पर चढ़ गई, जहां से वह अपने पैसे वापस दिलाने और आकाश से बचाने की गुहार लगाने लगी। इस दौरान युवती नीचे कूदने की धमकी दे रही थी। आकाश नाम का होमगार्ड में काम करता है, अधिकारी है, जो कि इसके कार्यवाही करी मैंने, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। उसका हम पे प्रेशर किया जा रहा है। घर पे आके पुलिस बोल रही कि क्या बोलते हैं, जाँच करनी है और शाम को भी आएगी। शाम का भी बोला था उन्होंने कि शाम को भी आएगी। प्रेशर किया जा रहा है, जिससे मैं मानसिक संतुलन मेरा खराब हो गया। मैं जॉब स्टोर में थी, फ़ोन लगाया गया तो कहने की पुलिस वाले आए। इस वजह से मुझे आना पड़ा कि मुजरिम बाहर घूम रहा है और हम पे प्रेशर किया जा रहा है कि हम लोग रिपोर्ट वापस ले, झूठी रिपोर्ट है तुम्हारी, ये बोला जा रहा है। आपके साथ बदतमीजी भी करी थी? बदतमीजी करी। VIP में नशे की हालत में था। मैंने बोला कि मुझे पैसे कब लौटाओगे, तो बोलता है 1-2 दिन बाद। मैंने नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए, मम्मी को ज़रूरत है उनके इलाज के लिए। बोलता नहीं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। और बदतमीजी करने लगा, गाड़ी गलौज करने लगा। गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो मैं उसके पास खड़ी हुई, तो उसने गलत उससे हाथ लगाया उससे और धक्का देके गाड़ी गाली बक के फिर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। वो बोला जो करते वाले तू कर ले। नहीं, पुलिस के द्वारा जो चीज़ संज्ञान में आई हुई है तत्काल वे संज्ञान लेकर के प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि उसके पूर्व का जो इतिहास है ये है कि 3 दिन पहले पैसे दोस्त को दिए जाते हैं और 3 दिन पश्चात पैसे मांगे जाते हैं और पैसे लेने की स्थितियों में छेड़छाड़ की प्राथमिकी दर्ज की जाती है। तो पुलिस ने तत्काल में संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। एक एक चीज़ की तस्दीक की जा रही है। जैसी तस्दीक हो जाएगी, जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।